श्री होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु के हिसाब से आपको किस दिशा में घड़ी जो है वो लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग हर चीज़ करते हैं, जिससे कि घर में हमारे खुशहाली आए, धन की कमी नहीं हो, और साथ ही साथ परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई सब भी जितनी कोई भी समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े। इस कारण हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें रखते भी हैं और ऐसी चीज़ें और लेकर भी आते हैं जिससे घर में मौजूद निगेटिविटी जो है वो निकल जाए और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे घर के अंदर आए। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे, खुशियों की कमी नहीं हो, और साथ ही साथ परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी या अन्य समस्या ना हो, और इसके लिए हम हमेशा जागरूक भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में निगेटिविटी बढ़ जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय देखने के लिए चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, उसमें घड़ी की ज़रूरत होती ही होती है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम घड़ी की दिशा को मतलब घड़ी को उचित दिशा में लगाएं, क्योंकि घड़ी की दिशा हमारे काम और उसके नतीजे की दिशा तय करने में भी सहायक होती है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस की जो दक्षिणी दिशा की जो दीवार होती है उस पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, और हिंदू शास्त्र में यम को मृत्यु का देवता माना गया है। इस दिशा में घड़ी लगाने से बिजनेस के जो मार्ग है उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ घर के लोगों में निगेटिविटी भी आने लगती है। और घड़ी जो है कभी भी आपको मुख्य द्वार के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। और इससे क्या होता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे आपके जो भी परिवार के सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, और कई मामलों में परिवार की मुखिया की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। एक और चीज़ आपको घड़ी से के सम से संबंधित एक जानकारी एक और है कि घड़ी जो है वो कभी भी बंद आपके घर में पड़ी हुई घड़ी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी आपकी किस्मत के दरवाजे बंद कर देने में वाली साबित होती है। इसलिए जो भी ख़राब घड़ी है उसको तुरंत ठीक कराएं या फिर हटा दें उस घड़ी को। और एक और चीज़ यह है कि घड़ी की का जो कांच है वो टूटा हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि घड़ी जो टूटी हुई घड़ी है वो आपको अपने घर में नहीं रखनी है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी घड़ी से जुड़ी हुई, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल श्री होम रेमेडीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।